आइए दोस्तों, अत्तारी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मकदम है, मैं उम्मीद बोलिए करता हूँ कि प्लीज। आप लोग जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अत्तारी हेल्थ केयर से आज तक जो भी दवाइयाँ पहुँचाई जाती हैं और इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा रहे होंगे, तो दोस्तों आज मैं बात करता हूँ किडनी की पथरी। देखिए दोस्तों, किडनी की पथरी बड़ी आसानी के साथ पेशाब के रास्ते रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। और आज का जो नुस्खा है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही छोटा और मुनासिब दामों में तैयार होने वाला है। आप घर पर ही अपनी पथरी को पेशाब के रास्ते रेजा रेजा होकर निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर पथरी को लेकर आप परेशान हैं, तरह तरह की मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं और आप अगर ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, तो इस घरेलू नुस्खे को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी पेशाब के रास्ते रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। पथरी किडनी में हो या मसाने में हो, बहुत तेज़ी के साथ टूट टूट कर निकल जाएगी। तो दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें नींबू लेने। देखिए दोस्तों, नींबू तो शायद आप सभी जानते होंगे, तो आपको 1 किलो नींबू लेने, ठीक है। 1 किलो नींबू लेने के बाद हमें दूसरा नंबर लेना है कोड़ी, ठीक है। कोड़ी को सभी लोग नहीं जान पाते, ये इस प्रकार की कोड़ी होती है। मैंने आपकी जानकारी के लिए, पहचान के लिए ये कोड़ी तलाश कर लाया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की आपको छोटी छोटी कोड़ियाँ लेनी। 1 किलो नींबू लेने के बाद उनका आप रस निकाल लें। रस निकालने के बाद 6-7 आप ये कोड़ियाँ उसमें डालकर रख दें। ये आपको कांच के डब्बे में भर कर रखना है, ठीक है। आप कोई कांच का डब्बा ले लें या बोतल वगैरह भी ले सकते हैं आप। लेने के बाद उसमें भरकर आप ढक्कन लगाकर रख दें। कम से कम 3 से 4 दिन आप रखा रहने दें। उसके बाद करना क्या है आपको, 3 चम्मच छोटे ये आप सुबह नाश्ते में पी लिया करें, ठीक है। इसे पीने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी इस्तेमाल करना, ठीक है। और उसके ऊपर से आप चाहें तो मठा पी सकते हैं, ठीक है। इसके और इसके बाद में आपको खाना या कुछ भी लेना है तो वो कम से कम 1 घंटे बाद लेना, यानी कि नाश्ते से खाने से 1 घंटे पहले आपको ये रस इस्तेमाल करना है। ये जो कोड़ी है बिल्कुल गल जाएगी, ठीक है, इसका रेता बन जाएगा। आप ये टोटका आजमा कर देखना, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको कामयाबी मिलेगी और पथरी आपकी गल गल कर बहुत तेज़ी के साथ निकल जाएगी। अगर आप डॉक्टर से और ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, तो आप इस घरेलू नुस्खे को आप ज़रूर आजमाएं। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इससे बहुत तेज़ी के साथ बिना तकलीफ के पथरी पेशाब के रास्ते रेजा रेजा होकर निकल जाती है। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ज़रूरतमंदों तक ये नुस्खे पहुँच सकें और वो लोग इसे इस्तेमाल करके वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और नई से नई जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो देखिए दोस्तों, मैं इसी तरह की जानकारियाँ देता रहता हूँ। फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।